Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. इसराइल हमास युद्ध में इजरायली सेना को चौतरफे, कभी गाजा के रफा में तो कभी लेबनान बॉर्डर पर तो कभी इराक और सीरिया से प्रतिरोधी समूह के हमले उसे दहला रहे हैं। हालांकि इन सभी फ्रंटों में गाजा का रफा शहर हमास का एक ऐसा अभेद किला बना हुआ है जिस पर फतेह करने की आईडीएफ की हर कोशिश नाकाम हो रही है। और अब एक बार फिर से हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सेना को खान यूनिस शहर के पूर्वी इलाके में एक बहुत बड़ा झटका दिया है। यहां पर अल कासिम ने इजरायली सैनिकों और उसके वाहनों पर एक बड़ा हमला किया है। अल कासिम ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हमास के लड़ाके एक बिल्डिंग में छिपे रहते हैं और बाहर इजरायल के कुछ सैन्य वाहन और टैंक गुजर रहे हैं और तभी अल कासिम के लड़ाके इन पर रॉकेट दाग देते हैं जिनमें जोरदार धमाका होता है। इसके बाद सामने की एक बिल्डिंग में आईडीएफ का जवान पोजीशन लिए होता है जिस पर अल कासिम का लड़ाका फायर कर देता है। और इसके बाद हमास के कुछ लड़ाके हरियाली के नीचे लॉन्चर लगाकर लगातार ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट फायर करते हुए नजर आते हैं और इस हमले के साथ ही अलकुस ब्रिगेड के लड़ाके गाजा के आसपास बने इजरायली सेटलमेंट्स पर बमबारी और रॉकेटों का पूरा जत्था फायर कर देते हैं। अलकुस के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि अलकुस का एक लड़ाका पहले तो पेड़ों की घनी हरियाली के नीचे लॉन्चर लगाता है, उसके बाद वो उसमें मिसाइलें फिट करता है और इसके बाद ये मिसाइलें आसमान को चीरती हुई फायर होने लगती हैं। अलकुस ब्रिगेड ने एक और वीडियो जारी किया है जो गाजा के शुजाया का है। इस वीडियो में दूर एक खंडर पड़ी इमारत दिख रही है जिसमें इजरायल के कुछ सैनिक पोजीशन लिए दिखते हैं और इसके बिल्कुल ठीक सामने एक बिल्डिंग में अलकुस के लड़ाके इन पर घात लगाए बैठे होते हैं और जैसे ही आईडीएफ के जवान उनके निशाने पर आते हैं वैसे ही उनके ऊपर स्नाइपर राइफल से हमला कर दिया जाता है। और इस हमले के दौरान ही गाजा के नेटजरी मैक्सिस में अल कासिम के लड़ाके आईडीएफ के ऊपर 114 एमएम शॉर्ट रेंज रजूम रॉकेट से हमला कर देते हैं। अल कासिम का ये भी कहना है कि उसने यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से घुसपैठ कर रहे इजरायली सैनिकों पर बमबारी की है, साथ ही उनके ऊपर हैवी कैलिबर मोर्टर गोले दागे हैं।